अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब और आप देख रहे हैं शाहज़ेब ऑफिशियल्स। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मामूल की तरह आज की इस वीडियो में एक और गाड़ी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो गाड़ी की तमाम डिटेल्स मैं वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर इस तरह की नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो दोस्तों, ये गाड़ी सुजुकी कल्टस VXRi 2009 मॉडल है। एक्चुअली ये 2008 की मैन्युफैक्चर्ड है और 2009 में रजिस्टर्ड हुई है, और ये गाड़ी सिंध की रजिस्टर्ड है, यानी कि सिंध का नंबर लगा हुआ है गाड़ी का। अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है। इंजन काफ़ी अच्छी कंडीशन में खड़ा है, पावरफुल वाटर ड्रॉप इंजन है, और गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड CNG भी मिल जाती है। इसी तरह अगर हम गाड़ी की बाहर से कंडीशन की बात करते हैं तो बाहर से जो गाड़ी है फ्रेश लुक के लिए हल्की हल्की शावर्ड है, और इसके अलावा जो गाड़ी अंदर से टोटल जेन्युइन खड़ी है गाड़ी। ओवरऑल अगर हम गाड़ी की बाहर से कंडीशन की बात करते हैं तो बिल्कुल ओके कंडीशन में खड़ी है और बहुत ही प्यारी गाड़ी है ये। इसी तरह अगर गाड़ी की सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन वाइज भी गाड़ी बिल्कुल ओके खड़ी है, यानी कि सस्पेंशन गाड़ी की बिल्कुल ओके है। मैकेनिकली गाड़ी बिल्कुल फिट खड़ी है, किसी किस्म का कोई काम रिक्वायर्ड नहीं है, और फैमिली यूज कार है, बड़ी ही एहतियात के साथ इस्तेमाल की गई है, और माइलेज भी गाड़ी की काफ़ी कम है, लगभग ये 80,000 किलोमीटर चली हुई है और बहुत ही कम है इसकी माइलेज मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और अगर हम इसकी अंदर से कंडीशन देखते हैं तो अंदर से कंडीशन बिल्कुल न्यू गाड़ी की तरह खड़ी है, पोशिश काफ़ी अच्छी है, जो इसकी सीट्स हैं वो कॉटन फैब्रिक जो हैं कवर्ड हैं। इसके अलावा गाड़ी बिल्कुल ओके खड़ी है अंदर से भी, और इसमें फ्लोर मैट्स भी इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा जो गाड़ी में आपको अच्छे वाला साउंड सिस्टम भी मिल जाता है, और जो गाड़ी का डैशबोर्ड है वो भी बिल्कुल अभी चमकती हुई कंडीशन में खड़ा है, क्योंकि ऊपर से वो कवर्ड है इसलिए बिल्कुल ओके कंडीशन में खड़ा है। और इस तरह जो गाड़ी का AC है वो भी आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी कूलिंग करता है। गाड़ी में आपको CNG भी मिल जाएगी, CNG किट इंस्टॉल्ड है और कंपनी फिटेड CNG है गाड़ी में, और ये गाड़ी मोस्टली जो है ना पेट्रोल पे चलाई गई है, यानी कि मोस्टली पेट्रोल ड्राइवन गाड़ी है ये, और CNG पे बहुत कम इस्तेमाल की गई है। अगर हम अंदर से सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में खड़ी हैं। फ्रंट पे जो आपको कप होल्डर भी मिल जाता है और साथ ही आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। इसी तरह अगर हम गाड़ी के इंजन की तरफ आते हैं तो इंजन आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके कंडीशन में खड़ा है, बॉडी वाइज भी किसी किस्म का कोई जंग वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह जो गाड़ी की बैटरी है वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाती है आपको। CNG सिलेंडर आप देख सकते हैं, कंपनी फिटेड CNG सिलेंडर है, और काफ़ी अच्छी कंडीशन है गाड़ी की। ये बैक लुक भी आप गाड़ी की देख सकते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी की तमाम सील्स हैं, डोर डिग्गी जेन्युइन है, और जो इसके बोनेट वगैरह के तमाम सील्स हैं तकरीबन जेन्युइन खड़ी हैं, कोई सील डैमेज नहीं है, और बिल्कुल ओके कंडीशन में खड़ी हैं, यानी कि ओवरऑल गाड़ी बिल्कुल फिट खड़ी है, और मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली किसी किस्म का काम होने वाला नहीं है गाड़ी में। इसी तरह अगर हम गाड़ी के टायर्स की बात करते हैं तो टायर्स भी आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगे, 80-85% कंडीशन में टायर्स भी अभी हैं गाड़ी के। इसके अलावा जो हैं अलॉय रिम्स गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं और काफ़ी खूबसूरत अलॉय रिम्स हैं। इसी तरह अगर गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो गाड़ी आपको काफ़ी अच्छी फ्यूल एवरेज दे देगी, AC के साथ ये आपको 14-15 किलोमीटर पर लीटर सिटी में दे देगी, लॉन्ग रूट पर ये 16-17 किलोमीटर पर लीटर आपको फ्यूल एवरेज देगी, यानी कि ये आप फैमिली यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, ये फैमिली यूज़ के लिए बड़ी ही बेहतरीन गाड़ी है। और इसी तरह अगर गाड़ी के हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको मुकम्मल मिल जाते हैं, CPLC भी क्लियर है, और इसके जो टोकन हैं वो भी अप टू डेट मिलते हैं आपको। और ये गाड़ी इस टाइम स्टेशन रोड लाड़काना में मौजूद है, यानी कि ये गाड़ी की लोकेशन है। इसी तरह अगर हम गाड़ी की प्राइस की तरफ आते हैं तो गाड़ी की प्राइस बिल्कुल मुनासिब है, यानी कि महरान की इतनी लोग डिमांड कर रहे होते हैं। इस गाड़ी की जो डिमांड है 6,20,000 रुपये है, जिसमें कमी बेशी की गुंजाइश भी मौजूद है। इसी तरह ये गाड़ी अगर आपको पसंद है और आप लेना चाहते हैं तो गाड़ी के ऑनर का नंबर आपका स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से नंबर लेके भी उनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।